परमे 40 वृत्त का कोई भी स्पर्शक स्पर्श बिंदुगामी अर्धव्यास पर लंब होता है। तो स्पर्शक बना लेते हैं सबसे पहले वृत्त, ओ केंद्र वाला वृत्त, इस वृत्त का स्पर्शक बना लेते हैं ए बी। पी बिंदु पर वृत्त को स्पर्श करता है, ओ पी को मिला देंगे तो हमें मिल जाएगा स्पर्श बिंदुगामी अर्धव्यास। हमें सिद्ध करना है कि कोई भी स्पर्शक इस वृत्त का ए बी स्पर्शक है। स्पर्श बिंदुगामी अर्धव्यास तो हमारा स्पर्श बिंदुगामी अर्धव्यास क्या है, ओपी। हमें सिद्ध करना है कि ओपी जो है ए बी पर लंब होगा। इसके लिए प्रदत्त लिखते हैं, क्या दिया हुआ है, दिया गया है कि वृत्त का कोई स्पर्शक, यहां लिख देंगे ओ केंद्र वाले वृत्त का स्पर्शक, ओ केंद्र वाले वृत्त पर स्थित बिंदु P का स्पर्शक AB है और OP क्या है, OP P बिंदुगामी अर्धव्यास है। तो ओ केंद्र वाला वृत्त पर स्थित बिंदु P का स्पर्शक AB है और OP P बिंदुगामी अर्धव्यास है। तो हमें सिद्ध करना है कि OP जो है लंब होगा AB पे। इसके लिए हम रचना करेंगे, रचना में हम क्या करेंगे, AB पर P को छोड़कर कोई एक बिंदु लेंगे, तो यहां लिख देंगे ए बी पर Q बिंदु लिया, यहां पर बिंदु ले लेते हैं Q, फिर क्या करेंगे ओ क्यू को मिलाया, ओ क्यू को मिला देंगे, तो ओ क्यू मिल गया। अब परमान देखो, ये वृत्त है, पी परिधि पर स्थित है और ए बी उसका स्पर्शक है, ए बी पर कोई भी अगर बिंदु लेते हैं तो वृत्त के बाहर स्थित होगा, तो जब वृत्त के बाहर स्थित होगा तो वृत्त को किसी एक निश्चित बिंदु पर छेद करेगा। तो मैं लिख देंगे माना ओ क्यू वृत्त को आर बिंदु पर काटता है, यानी कि यह बिंदु हो जाएगा आर। इसलिए अब देखो ओ क्यू पर आर एक बिंदु स्थित है तो ओ आर जो होगा छोटा होगा ओ क्यू से, क्योंकि ओ क्यू पर आर बिंदु स्थित है। अब देखो अगर कोई भी रेखा से केंद्र से जाती हुई रेखा अगर वृत्त के परिधि को काटती है तो क्या हो जाती है, अर्धव्यास हो जाता है, यानी कि ओ आर हमारा क्या हो जाएगा, अर्धव्यास। हम तब लिख सकते हैं ओ आर बराबर ओ पी, दोनों क्या है, अर्धव्यास है। वृत्त के अर्धव्यास है। अब P को छोड़कर AB पर कोई भी बिंदु ले अगर हम, तो क्या होगा, वो वृत्त के बाहर स्थित होगा। हम जानते हैं अगर हम किसी निश्चित बिंदु से किसी रेखा को मिलाए, तो इस बिंदु से मान लेते हैं वो बिंदु है, ये रेखा है AB, अगर वो बिंदु से AB को मिलाए तो इन जो रेखा होगी सबसे छोटी रेखा उस पर क्या होता है, लंब होता है। उसी तरह अगर यहां पर देखा जाए, अगर दूसरी रेखा खींचा जाए तो ये जो रेखा है OP मान लेते हैं, तो OP से हर समय क्या होगा, बड़ा होगा। यहां पर देखो OR OP के बराबर है, तो OR क्या कर रहा है, वृत्त को छेद कर रहा है, काट रहा है, ये अर्धव्यास हो जा रहा है, तो
ओपी क्या हो रहा है, सबसे छोटा रेखा हो रहा है, इसलिए हम लिख सकते हैं कि चूंकि पी को छोड़कर एबी पर स्थित सभी बिंदु बाहर स्थित होगा, वृत्त के बाहर, वृत्त के बाहर होगा, इसलिए ओ से एबी पर खींची जाने वाली सभी रेखाओं में ओ से एबी पर खींची जाने वाली सभी रेखाओं में ओपी सबसे छोटा होगा। हमने यहां पर सीखा कि अगर किसी निश्चित बिंदु से किसी रेखा पर खींचा जाए कोई भी रेखा, जो सबसे छोटा होगा वो क्या होता है, लंब होता है, 90 का कोण बनाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ओ से एबी पर खींची जाने वाली सभी रेखाओं में ओपी सबसे छोटा है जब, तो ओपी जो होगा लंब हो जाएगा एबी पे। ये मैं प्रमाणित करना था, ये हो गया 40 नंबर पर मैं प्रमाणित।